संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने बहुत पहले ही कहा कि चोली के पीछे क्या है, तो पूछ लिया तो खेसारी लाल यादव ने हमारे कह दिया कि चोली के चीज देखेबा तक खिलाई वो चिकन चिल्ली। तो क्या बुरा कहा खेसारी जी ने, तो अमिताभ बच्चन ने सरे आम लोगों के सामने, हजार लोगों के सामने चुम्मा चुम्मा मांग रहे हैं, तो भैया वो अश्लील नहीं था। तो हमारे पवन सिंह ने भी कहा कि चोलिये में अटकल परान कौन सा गलत था। चोलिये में अटकल परान, चोलिये में अटकल परान। अगर पवन सिंह ने कहा कि चोलिये में अटकल परान, तो अभी का जो नया ट्रेंड है कौन हिट किया है कि भैया ढोड़ी तनी छील दा रात भर ढील दा, आज भर ढील दा ढोड़ी जाने छील दा। राजेश खन्ना की जो हीरोइन है ना, वो भी कह रही है कि चोली मेरी तंग है भैया, आह तंग है मेरी चोली तंग थी चोली। साड़ी जी ने फिर कहा कि होठलाली से रोटी बोर लो, कहाँ गलत कहा भैया, बॉलीवुड वाले का ही तो है। माधुरी दीक्षित का भी देख लो भाई, कि जोरा जोरी करेंगे चने के खेत में, गन्ने के खेत में। हमारे पवन भैया का भी कम नहीं है भैया, उन्होंने भी कहा कि राते दिया बुता के पिया क्या क्या किया, हालांकि गाना अश्लीली है लेकिन पूछेंगे ना भाई। जितेंद्र साहब और हेमा मालिनी का पहले ही कह रहे हैं कि रॉकेट का कट चाहिए चोली के पीछे सरेआम। हमारे प्रमोद भैया तंग आ चुके, उन्होंने सीधे कह दिया कि भाई कर दो चोली विसर्जन, भैया कर दो चोली का विसर्जन ही कर दो। अब बकचोदी वाला ज्ञान सुन लो भैया, जितने भी अश्लीलता का विरोध कर रहे हैं ना, अश्लीलता हमारे से नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री से अश्लीलता नहीं है। मानता हूँ कि भोजपुरी में हैं कुछ लड़के, हैं कुछ सिंगर जो द्वर्थी गाना गाते हैं और बहुत हाई लेवल का द्वर्थी गाना गाते हैं, लेकिन सिंगर की गलती सिर्फ नहीं होती है, सुनने वालों को भी गलती होती है। अभी का एकदम लेटेस्ट ट्रेंड है, एकदम अभी का 10 दिन पहले से जो ट्रेंड चल रहा है, अश्लीलता अश्लीलता का झंडा उठा रहे ना, ढोड़ी धनी छील दा रात भर ढील दा ढील दा ढोड़ी छील दा, भाई गाना कहाँ नहीं बज रहा है, लेवल पे बज रहा, शादी विवाह में साला वही गाने से स्टार्ट कर रहे हैं, कौन बजा रहा है। और बॉलीवुड वाला जो आपको पीछे दिखाया ना भैया, ये पुराने वाला है, पुराने वाले जो करता धरता, नया वाला भी दिखाऊंगा, सीरीज लेके आ रहा हूँ, दिखाऊंगा कि भाई हमारे भोजपुरी में जो है ना, कम से कम ना द्वर्थी लेके खाली किया जा रहा है, आज जो बॉलीवुड में दिखाया जा रहा है ना, कंपेयर करूंगा, देखना क्या मज़ा आता है, दिखाऊंगा कि साला भोजपुरी 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 खाली साला भोजपुरी को ही बदनाम कर लो, साला दिन भर भोजपुरी भोजपुरी करना है और लेकिन भोजपुरी को ही गरियाना है, भोजपुरी से ही पैसे कमाने हैं, भोजपुरी को ही गरियाना है, साला इतना तो हमारा भाषा गंदा नहीं है जितना तो सालों तुम लोगों ने वो कहते ना अश्लीलता अश्लीलता को लेकर कर दिया, और साले बंद कमरे में वही साला पौआ पी के उसी गाने पर नाचोगे, शादी विवाह में साला उसी का गाना बजेगा, ढील दा किसके शादी में बज रहा है साले, सबके जहां पे भी जाओ शादी विवाह में बहन चोद वही गाने बज रहे हैं आज के टाइम पे। तो भाई खाली चिल्लाने से नहीं होता है, जनता मांग रही है, साले जनता ही सुन रही है, हम थोड़ी सुना रहे हैं। तो खाली बॉलीवुड वाला क्या होता है ना, दीपक दिलदार का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने सही बोला था कि बिकनी में चिकनी लौका था, तो भैया उनका गाना जो बॉलीवुड वाला जो हाई लेवल का गाना होता है, बड़ा कैनवास होता था, एकदम बड़े बड़े हीरोइन होते हैं, बड़ा बड़ा कैमरा सेटअप होता है, एकदम कट वाला बिकनी होता है, एकदम शॉर्ट वाला हॉट वाला गर्मा गर्म वाला, फैमिली के साथ एकदम नजरें पर नजर टीवी पर निगाहें बिठा के देखते हो, बड़ा अच्छा लगता है यार, क्या यार क्या वीडियो बनाया, क्या गर्म मियाज वाला, खबरदार एकदम गर्मा गर्म वाला मियाज है। साले चोली के पीछे बहन जो चोली और चड्डी तो बहन जो पहले बॉलीवुड वालों ने कर दिया और अब तो और गंद मचा दिया है, वहां पे नहीं दिखेगा ना, यहाँ साला हमारा भोजपुरी स्टार को ही गरियाना है। सीरीज खतरनाक, वीडियो अच्छा लग रहा हो भाई कमेंट जरूर करना, और भाई इससे भी खतरनाक लेके आऊंगा,
इससे भी खतरनाक लेके मैं दिखाऊंगा असली बॉलीवुड और असली भोजपुरी की। आपको जो भोजपुरी भोजपुरी चिल्लाते हो ना कि भोजपुरी अश्लीलता है, साले तुमको अब दिखाता हूँ कि भोजपुरी वर्सेस अश्लीलता बॉलीवुड का अश्लीलता क्या है। दिखाता हूँ, कुछ कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।